हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। हम लोग कर रहे हैं थ्री हिंज आर्चेस। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया है, ए थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ 20 मीटर स्पैन एंड 3 मीटर राइज इज कैरिंग पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट ए सेक्शन 7.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट सपोर्ट। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हमको डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमको खुद बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट हम लोग स्पैन से करते हैं। हमें बोला है 20 मीटर का स्पैन है, तो ये स्पैन हो गया हमारा 20 मीटर का। ठीक है, ये स्पैन हो गया हमारा 20 मीटर का। इसके ऊपर ये आर्च है इस तरीके से। क्या बोला है हमें, आर्च का जो राइस है वो 3 मीटर है। राइस हमें मालूम है, ये हमारा डिस्टेंस होता है राइस यहां से लेकर यहां तक, जो कि है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो ये 3 हिंज आर्च है, तो 3 हिंज में सबसे पहला सपोर्ट यहां पर लगेगा। अगर इसका नाम हम लोग ए दे दे तो यहां पर रिएक्शन ए लगेगा। अगर इसका नाम बी दे दे तो यहां पर रिएक्शन बी लगेगा। ठीक है, यहां पर तीसरा हिंज है तो ये पॉइंट सी इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी। इसके बाद हमें क्या बोला है, इज कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट ए सेक्शन 7.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से 7.5 मीटर पे लग रहा है, तो मान लीजिए यहां पर कहीं पर तो आएगा। इसका लोड है 100 किलो न्यूटन और इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट है 7.5 मीटर। ठीक है, 7.5 मीटर इस तरीके से, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है उस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनता है। लेकिन क्योंकि ये हिंज है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल भी आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमेशा इनवर्ड होना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एच और हॉरिजॉन्टल एच ए और एच भी नहीं आएगा, एक ही सिंगल आएगा जो कि होगा कैपिटल एच। ठीक है, एक ही सेम वैल्यू होती है, इस साइड की भी एच की सेम वैल्यू होगी और इस साइड की भी एच की सेम वैल्यू होगी। वो क्यों होगी ये हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काम हमारा होता है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, क्योंकि हमें रिएक्शन फाइंड करना है। तो मोमेंट के लिए हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, इक्वल्स टू जीरो हमें निकालना है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। तो आर बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस आर बी। आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है 20, अब ये 100 है, ये 100 क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए प्लस 100। 100 का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 7.5, तो इंटू 7.5 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें आर बी मिल जाएगा, यहाँ से हमें आर बी की वैल्यू मिलेगी माइनस एक्स इंटू 20 प्लस 100 इंटू 7.5 इक्वल्स टू जीरो। तो आर बी की वैल्यू मिलते यहाँ से 37.5 किलो न्यूटन। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड, जो कि हमारा अजम्पशन करेक्ट है। अभी हम लोग लेंगे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, जिसमें ऊपर जाने वाले पॉजिटिव होंगे। तो आर ए ऊपर जाएगा तो प्लस आर ए, आर बी भी ऊपर जाएगा तो प्लस आर बी, लेकिन मैं आर बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा 37.5। ठीक है, ये आर बी है, प्लस आर बी मतलब ऊपर जा रहा है, प्लस आर बी। अभी 100 नीचे आ रहा है इसलिए माइनस 100 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मुझे आर ए मिल जाएगा एक्स एक्स प्लस 37.5 प्लस माइनस 100 इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से मुझे आर ए मिल जाएगा जो कि है 62.5। ठीक है, आर ए और आर बी मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एच। अब हमें निकालना है एच। अब या तो हम एच राइट साइड का निकाले या लेफ्ट साइड का निकाले, दोनों सेम होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, ये पॉइंट सी है, तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है राइट साइड ले या लेफ्ट साइड ले। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो राइट साइड में हमारे पास दो लोड है, मतलब कम से कम कैलकुलेशन में हमारा राइट साइड सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारे पास एक दो तीन, तीन लोड है।
ठीक है ना। तो तीन लोड के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन है राइट साइड करो या लेफ्ट साइड करो, तो हम लोग राइट साइड करते हैं क्योंकि कम से कम में हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट लेना है। बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में बहुत फर्क है। मोमेंट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन आपको मालूम होगा ना, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है? ऊपर जाने वाले पॉजिटिव और सेक्शन के नीचे आने वाले नेगेटिव, ये होता है ना बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, तो इतना साइड अभी भूल जाइए। देखिए आर बी ऊपर जा रहा है मतलब प्लस आर बी। आर बी का डिस्टेंस कितना है पॉइंट सी से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मतलब ये 20 का हाफ, 20 का हाफ मतलब 10, ठीक है। अभी ये एच है ना, अगर मैं इस आर्च को खोल दूं तो ये इस तरीके से होगा। ये एच यहाँ पर लग रहा है तो ये एच इसको नीचे पुल करेगा, तो नीचे पुल करने के कारण नीचे वाला माइनस होता है, इसलिए माइनस एच। लेकिन एच का डिस्टेंस क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। एच का डिस्टेंस है 3 मीटर जो कि हमारा राइस है, तो एच इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं आर बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर बी कितना है? 37.5 इंटू 10 माइनस एच इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे एच मिल जाएगा 37.5 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे एक्स मिल जाएगा जो कि है 125। एच आ गया 125। ये सब किलो न्यूटन वगैरह डाल देना, मैंने यहाँ पर भी किलो न्यूटन नहीं डाला है, मतलब आप समझ जाना कि ये किलो न्यूटन में है क्योंकि हमारा किलो न्यूटन में सब लोग चल रहे हैं। तो आर बी आ गया, आर ए आ गया, एच आ गया, हमारे सारे अननोन कंप्लीट हो गए। चलिए हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। 3 इंच आर्चेस के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है जो कि वाई का है 4hx/L² और ब्रैकेट में है L-X, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। इस चैप्टर के लिए ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें यूज करना है। शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रस। तो हॉरिजॉन्टल ट्रस मतलब ये एच था, ये तो हमने फाइंड कर लिया, तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रस। अभी हमें क्या पूछा है, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट सपोर्ट। तो राइट सपोर्ट से हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो ये बेंडिंग मोमेंट राइट सपोर्ट से, मैं यहाँ पर राइट सपोर्ट को रिड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट सपोर्ट को रिड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर लग रहा है एच, एच की वैल्यू में लिख दूंगा 125। यहाँ पर लग रहा है आर बी, आर बी की वैल्यू लिख दूंगा 37.5, ठीक है। यह है सेक्शन, यह है सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं वाई, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है वाई। तो चलिए हमें क्या करना है, मोमेंट अबाउट एक्स फाइंड करना है। तो मोमेंट अबाउट ये सेक्शन एक्स एक्स मतलब हमको इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं 37.5 की तरफ। 37.5 देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला प्लस होता है हमारे फॉर्मूले में। यहाँ पर देखिए ऊपर जाने वाला प्लस होता है, इसलिए 37.5 पॉजिटिव में है। लेकिन इसका डिस्टेंस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है एक्स, तो इंटू एक्स। अब यहाँ पर सेकेंड लोड लग रहा है जो कि 125 है, लेकिन वापस से ये केस है, अगर मैं इसको खोल दूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मेरा लोड यहाँ पर लग रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाने वाला माइनस होता है, तो -125, -125। और 125 का डिस्टेंस कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा वाई, तो इंटू वाई। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाई का फॉर्मूला इस वाई में सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो इक्वल्स टू 37.5x-125। वाई का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, 4hx/L² और ब्रैकेट में L-X, ठीक है, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या मालूम है, हमें L मालूम है और H मालूम है। चलिए पुट करते हैं 37.5x-125, ऊपर 4 है, इंटू एच। एच क्या होता है, राइस, राइस को बोलते हैं स्मॉल h,
तो स्मॉल एच है हमारा 3 इंटू एक्स अपॉन एल स्क्वायर। एल मतलब क्या, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन जो कि है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। और वापस यहाँ पर एल है मतलब ये 20 और माइनस एक्स ये ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 37.5 एक्स इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये माइनस 125 यहीं पर रखते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 अपॉन 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.03 एक्स, और इस ब्रैकेट में रह जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ। तो ये पहले से चल रहा है 37.5 एक्स, अभी मैं इसको अंदर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 125 इंटू 0.03, और मल्टीप्लाई में वापस 20 होगा, मल्टीप्लाई में 20 इक्वल्स टू माइनस 75, और यहाँ पर एक x है तो -75x। अब मैं दूसरे साइड सॉल्व करता हूँ तो फिर ये -125 इंटू 0.03, और वापस इस x की तरफ जाएगा मतलब ये हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3.75, और यहाँ पर 2x है तो फिर ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मैंने इस तरीके से किया है। तो चलिए ये हमारा ये क्या था, m अबाउट x, मोमेंट अबाउट x। तो हमने पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था जब हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होता है तब हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, m x का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 37.5, और ये माइनस 75 इस तरीके से हो जाएगा, और ये प्लस 3.75, ये एक्स स्क्वायर है तो इंटू 2x हो जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, इक्वल्स टू 0 होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। चलिए इसको इक्वेशन को पुट करते हैं हम लोग, 37.5 माइनस 75 प्लस 3.75 इंटू 2x इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी जो कि है 5। देखिए हमें x इक्वल्स टू 5 मिलता है, x इक्वल्स टू 5 मिला, इसको सब्सटीट्यूट कर दो मोमेंट अबाउट x के इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन है हमारा मोमेंट अबाउट x का इक्वेशन, तो इसमें उसको सब्सटीट्यूट कर दो तो हमें m x का आंसर मिल जाएगा। इस x को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो 37.5x है तो x हमारा है 5, माइनस 75x है तो x है 5, प्लस 3.75 x स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर तो इक्वल्स टू माइनस 93.75 किलो न्यूटन। ठीक है, ये है हमारा मोमेंट अबाउट x जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला था, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट सपोर्ट। तो ये हमारा मोमेंट अबाउट x इक्वल्स टू -93.75 किलो न्यूटन। आपको पता चला हमने क्या किया, हमें राइट साइड के लिए सॉल्व करने को बोला तो हमें मोमेंट अबाउट x निकालना है, मोमेंट अबाउट x हमने निकाला तो ये हमें ये आया, इसमें हमें y का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना है, ये फॉर्मूला y की जगह पर हमने सब्सटीट्यूट किया तो ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में हमें h मालूम है और l मालूम है, h क्या होता है हाइट ऑफ राइज, ये होता है स्मॉल h, l क्या होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन जो कि है 20 मीटर, तो 20 और 3 हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। अब आप इसको इस ब्रैकेट को आपको सिंप्लीफाई करना है तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद एक वैल्यू आपको आएगी -75x और दूसरी वैल्यू आपको आएगी 3.75x2। ये क्या था आपका मोमेंट अबाउट एक्स, तो यहाँ पर इक्वल टू से पहले मोमेंट अबाउट एक्स चलते आ रहा था तो यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिखा मोमेंट अबाउट एक्स। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो आपको डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल्स टू 0 लेना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है,
तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 37.5, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -75, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3.75, और ये एक्स स्क्वायर है इसलिए 2x और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 करके ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में। आपने देखा था हमने कैसे सॉल्व किया, और हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू हमें मिल जाने के बाद हमको वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि हमारा मोमेंट अबाउट एक्स है। तो ये एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे मोमेंट अबाउट एक्स के इक्वेशन में, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा मोमेंट अबाउट एक्स का, जो कि ये है 93.75 किलो न्यूटन। समझ में आया आपको? यही था कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।